हेलो एवरीवन। तो पावर कॉरपोरेशन का जो बिजली का जो बिल है वो बिल आ चुका है। तो बिल को कैसे देखें कि कितना बिल आया हुआ है और बिल को पेड कैसे करें? आप चाहें तो ऑनलाइन भी पेड कर सकते हैं और ऑफलाइन आप विभाग में जा करके भी आप वहां पे पेड कर सकते हैं। तो मैं यहां पे ऑनलाइन अभी करके मैं प्रोसेस बता रहा हूं, तो आप लोग इसको देखें और अगर सुविधा लगे तो आप लोग भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जैसे कि आपका यहाँ पे विंडो दिख रहा है, गूगल सर्च इंजन है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी UPPCL का ये सेव किया हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको ओपन करूँगा। ये उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, ये खुल गया है। तो यहाँ पे देखेंगे, मैंने लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है, मेरे पापा के नाम से ये है, देवतानंद पांडे, तो ये यहाँ पे है। फिर आप यहाँ पे आइए पे बिल में, ये सबसे लास्ट लास्ट में जो लिखा हुआ है पे बिल, उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे इंटरफेस इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे लिख के आ रहा है, देखिए, योर आउट स्टैंडिंग अमाउंट इज़ 880। यहाँ पे कुछ डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ अकाउंट नंबर लिखा हुआ। और नेम है यहाँ पे, और इसके बाद ये आपका अमाउंट कितना आया है 880, और ये 889 जो है वो पेड करने का डेट है। ड्यू डेट है 26/2/2023। 889 आपको पेड करना है यहाँ पे। और इसमें लिखा है कि अगर आप पेड कर, देखिए पेड आ रहा है पेबल 880, ठीक है, अमाउंट बिफोर ड्यू डेट 880 आप पे करेंगे। तो ड्यू डेट से पहले अगर पे करते हैं, यानी कि 26 फरवरी से मैं पहले पे करूँगा, तो मुझे 880 ही पे करना है, और उसके बाद पे करूँगा तो मुझे 9 रुपीज़ का जो डिस्काउंट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो मैं इसको पेड करता हूँ। तो सबसे पहले आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप ये देखिए यहाँ पे भी पूछ रहा है क्रेडिट डेबिट मोबाइल नंबर या फिर नेट बैंकिंग UPI भीम या फिर UPI और भीम जो है उससे करेंगे, या फिर इट्स कैश करके आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, UPI पेमेंट करूँगा मैं, फिर मैं सबमिट कर दूँगा इसको। अब ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, अकाउंट नंबर ये है हमारा, ये इस तरह से आ गया। आपको फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे करना है, फिर आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब पेमेंट का ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है क्या, UPI की QR। तो मैं QR ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे QR को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हम मेक पेमेंट कर देंगे। तो जब मेक पेमेंट करेंगे QR से, तो ये देखिए आ रहा है, कन्वीनियंस फी विल बी अप्लाइड टू द ट्रांजेक्शन अमाउंट इज एस 880 का दिखा रहा है। अब प्रोसीड विथ पेमेंट मैं कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया है, QR कोड स्कैन करने के लिए बोल रहा है। तो इसको आप, इसको जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो QR कोड स्कैन करने के लिए आएगा। फिर आप जिस भी UPI से पेड करना चाहते हैं उसे आप पेड कर सकते हैं। तो मैं इसी से QR को स्कैन करके और उसके बाद पेड करूँगा। फाइनल पेमेंट यहीं से हो जाएगा और आपका बिल जनरेट उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है, आप यहाँ से पेमेंट इजीली कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।